का हाल? कल तो यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ने वाली है। डैड, कल तो बहुत सारी बर्फ पड़ेगी। क्या बर्फ पड़ेगी? मैं पहले जिस घर में रहता था वहाँ भी बहुत बर्फ पड़ती थी, और जानते हो शिनचैन, वहाँ के लोग उस बर्फ से बहुत सुंदर घर बनाते थे। क्या बर्फ का घर बनाते थे? बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन वो घर गोल हुआ करता था। बहुत ठंडा होगा। नहीं नहीं, वो तो काफी गर्म होता था। उसके अंदर स्टोव जला सकते थे, चाय पी सकते थे, बढ़िया खाना खा सकते थे। अरे वाह, क्या बात है। मैं भी कल ऐसा घर बनाऊंगा डैड, मैं भी बनाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है शिनचैन, तुम भी बना लेना बर्फ का घर। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। कितनी बर्फ पड़ी? अरे नहीं शिनचैन, अभी बहुत ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी है, तो थोड़ी सी है। क्या हम इसे घर बना सकते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। क्या? लेकिन डैड, आपने कहा था कि हम घर बनाएंगे। कहा तो था, लेकिन उस वक्त मुझे ये थोड़ा ही पता था कि इतनी कम बर्फ पड़ेगी आज। ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा धीरे बोलिए, मेरी नींद खराब हो रही है। डैडी, सबकी सब आपकी गलती है। मेरी क्या गलती है? ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बर्फ काफी रहेगी। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसी बात है तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। निशाना चूक गया। हैरी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मैं बाहर जा रही हूँ, हिमाबारी का ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे उसे अपने साथ ले जाओ। पर बाहर बर्फ पड़ रही है। और हाँ, आप अपना लंच भी बना लीजिएगा। ये लो। छुट्टी के दिन भी आपको कितने सारे काम करने पड़ रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना? देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इतनी बर्फ बहुत मेहनत से इकट्ठी की है, इसका अच्छी तरह इस्तेमाल करना। ये क्या कर रहे हो? अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा। किसी को बर्फ मारने के लिए पहले बर्फ की बॉल्स बनाते हैं और फिर उन बॉल्स को उस पर मारते हैं। ये तो बहुत मेहनत का काम है डैड, लेकिन फिर भी मैं ये करूँगा। बहुत बहुत हो गया, रुक जाओ। इतनी छोटी बॉल्स किसी को मारने से कुछ नहीं होने वाला है बेटा। अगर बड़ी बॉल्स बनाऊंगा तो सारी बर्फ खत्म हो जाएगी। तो चलो बॉल्स मारना बंद करके बनाते हैं एक स्नोमैन। अब स्नोमैन बनाएंगे डैड, इसमें तो और भी ज्यादा मेहनत लगेगी। कुछ और नहीं कर सकते। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो कि मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए, समझे क्या? अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर स्नोमैन मैं ही बनाऊंगा। डैड, ये देखिए, मैंने तो बना भी लिया। क्या कहते हो शिनचैन, ये बर्फ का टुकड़ा क्या चीज है? कैसा स्नोमैन है ये? डैड, दरवाजा खोलिए ना। प्यारे स्नोमैन, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। बड़ा अजीब स्नोमैन बना इसने, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शिनचैन के अंदर कोई बहुत बड़ा कलाकार छुपा हो, जैसे कि पिकासो। चलो बन तो गया, काफी कम बर्फ थी फिर भी जैसे तैसे काम हो गया। थोड़ा पिघल भी रहा है और भूख भी लग रही है मुझे बहुत जोर से। अब क्या करूं मैं, किचन में देखता हूँ। अरे ये तो फ्रिज की चीजें हैं, यहाँ कैसे? शिनचैन, तुमने फ्रीजर से सब कुछ बाहर निकाल दिया, इसलिए हमें सब खाना पड़ेगा, वरना ये सब खराब हो जाएगा। और अगर मेरा स्नोमैन पिघल कर खराब हो जाता तो? मैंने तो उसे मॉम को भी अब तक नहीं दिखाया। अच्छा ठीक है, लगता है कि ये तो खराब हो भी गया। आपने इसे ठीक से फ्राई नहीं किया, मम्मी इसे फ्राई करके बनाती हैं। अच्छा आज ऐसे ही खा लो इसे। मैं वापस आ गई। ये क्या, सब लोग सो रहे हैं? लगता है सारा दिन खेलकर और घर का काम करके थक गए हैं सब। अरे ये क्या है? गिरा दिया तुमने इसे? जानबूझकर थोड़ी किया है। बस मिच्छी, अब तो इतनी सी ही बर्फ बची है मेरे पास। देखो ठीक से बन गया ना? यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, पर मुझे तो ठीक लग रहा है हैरी। ठीक है फिर, मैं क्या कह सकता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं इसे वापस फ्रिज में रख देती हूँ। मेरे ख्याल से शिनचैन को आराम से पता चल जाएगा किसे हमने बनाया है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पानी चाहिए? बाथरूम जाना है। शिनचैन सो गया? हाँ अभी तो सो गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या कहेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका स्नोमैन हमने दोबारा से बनाया है। आप फिक्र ना करें, शिनचैन को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे,
वो ऐसे ही कि मेरे पास एक आइडिया है और वो आइडिया आपको भी पसंद आएगा। ये देखिए, ये क्या है? ये स्नो स्टार का लेटर है। जिस स्नो माइकल को शिनचैन ने बनाया था वो एक स्नो स्टार था, और जाते वक्त उसने शिनचैन के लिए एक लेटर छोड़ा। शिनचैन, मुझे बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्नो स्टार हूँ। तुमने मुझे माइकल दिया, मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता। मुझे बहुत दुख है क्योंकि दूर बादलों के ऊपर मुझे अपने स्नो पैलेस पर जाना है। वहाँ बहुत सारे स्टार्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और देखो अगर बारिश होगी तो मैं फिर तुमसे जरूर मिलने आऊँगा। और अपनी मॉम की बात अच्छी तरह मानना। बाय शिनचैन, फिर मिलेंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी? काफी अजीब। मेरा यकीन कीजिए हैरी, शिनचैन जब ये लेटर पढ़ेगा तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा, वो बहुत खुश होगा। वैसे मेरा आइडिया कमाल का है ना? क्यों हैरी, बोलिए ना। और अगले दिन आइसक्रीम खानी है। नहीं, जूस ही पी लेता हूँ। अरे शिनचैन बेटा, तुम चाहो तो आइसक्रीम खा सकते हो। नहीं, मुझे जूस ही पीना है। अच्छा ठीक है। और अब आप सबके लिए अच्छी खबर, कल बर्फ गिरने वाली है तो आप स्नोमैन बना सकते हैं। अरे वाह, कल भी बर्फ पड़ेगी, मैं तो बाद में जाएगा। लगता है शिनचैन पूरी तरह से भूल चुका है स्नोमैन के बारे में। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मेरे पापा असलियत में बैटमैन थोड़ी ना है, वो एक चोर है। अरे यार, नहीं 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 नहीं, अंकल मत करो, सर घूम रहा है। जरा मुझे उससे बात करने दो। टिम्मी बेटा, ये चोर वाली बात अपने घर तक ही रखनी है, सबको बताना नहीं है। तुम इसे जरा समझा दो, जब इसका नया बॉयफ्रेंड बनेगा तो उसे ये चोर वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। और ये तुम्हारे माता पिता कुछ कमाते धमाते नहीं है क्या? तिजोरी से बस एक ही गड्डी मिली, उन्हें बोलो कुछ कमाए धमाए। ओके अंकल, बोलो उन्हें जरा कुछ कमाए धमाए। आजकल के लोगों ने भी, वैसे टिम्मी मेरे पापा भी एक पुलिस वाले हैं। शर्मा जी को 1000 बार बोला है मुझे रात में ड्यूटी पे नहीं बुलाए, मेरा पेट खराब हो जाता है। वो क्या है, सलवार में कृष की कबर बिज्जू है? आखिर भड़मुंजी का है क्या? जांग पे मार दी रे, ब्लैडर भी फोड़ दिया माई रे। टिम्मी, लगता है तुम्हारे पापा मर गए।